और एट द सेम टाइम ड्राइव करके काम पे भी पहुंचना है। अरे वो लकड़ी के बने होते हैं तो भाई वो सामने अब आपको दिख रहा होगा पूरा टोरंटो। फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है गाड़ी में और सुनसान रास्ता है बिल्कुल। माय फेवरेट कड़ी आई है आज। मॉर्निंग्स इन कनाडा भी लाइक। आ जाओ इतना सीरियस क्यों ले, कल मिलते हैं। मेरे गैस स्टेशन का ध्यान रखना ओके। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं अभी उठा हूं और ये डे इन माय लाइफ व्लॉग इस तरीके से बना रहे हैं? नहीं, ये सब फेक होता है भाई। मैं माइक लगा के नहीं सोऊंगा पहली बात। ये बैठी अपनी सिस्टर और ये तनिष भाई अपना व्लॉग बना रहे। सारा सोशल मीडिया पे ना आजकल पता नहीं क्या ही चीज चल रही है। और ये देखो ये लाइट भी मैं ऑन करके बैठा हूं ताकि शॉट जो है ना थोड़े अच्छे से आ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर ना गाइज अपने रियलिटी दिखाने वाले हैं आपको। ये चमक दमक कुछ नहीं दिखानी कि जिस टाइम आप कनाडा में रहते हो, अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूं, सबूत देता हूं कि यस मैं कनाडा में ही रहता हूं। तो यहां की जो लाइफ है वो नो डाउट बहुत अच्छी है, बट स्टिल आपको मेहनत करनी पड़ती है डे टू डे। अपने सारे टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव करने पड़ते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। सो गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस वीडियो को ना आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आउट ऑफ जोन जाके करके दिखाने वाला हूँ आपको। सो इसीलिए बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई ये तो मेरा सबूत हो गया कि भाई कनाडा में रह रहा हूँ और कनाडा की ही चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। और ये चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा आपने अ डे इन माय लाइफ व्लॉग कभी नहीं देखा होगा। अभी मैं बाहर आया हूँ दिखाने के लिए कि वीडियो बनाने जितना इम्पोर्टेंट ही ना उसका थंबनेल भी होता है, और वही चीज अभी अपने करने वाले हैं। इसीलिए मैं टी शर्ट उठा के लाया हूँ और साथ में ये अभी जो इक्विपमेंट है तनिष सर ने पकड़ा हुआ है वो मैं उनसे थोड़ी देर के लिए लूंगा। तो भाई थंबनेल वाली जो फोटो है वो अपनी हो चुकी है क्लिक, ये आपको फोन में दिखाते हैं सबसे पहले। तो अब इसी को अपने एडिट करके और थंबनेल बनाएंगे, और जो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो वो अपने चलते हैं अंदर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको डेली रूटीन के बारे में बताते हैं और बहुत सारे टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं आज भी, फिर काम पे निकलना है, फिर काम से वापस आना है, फिर कुछ करना है। तो सारी चीजें अपने अंदर जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी टाइमलाइन बता देते हैं कि यहाँ पे टीवी वगैरह और स्पीकर वगैरह रख के मैंने शूट किया था, जो कि पिछला व्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके हो बेस्ट बाय वाला। तो उसके अंदर सीन ये हुआ था कि मैंने घर वाली शूटिंग सारी कर ली थी, बट जो बेस्ट बाय जाके व्लॉग बना के आया था ना वो सारा डिलीट हो गया था और वो पता नहीं सेव हुआ नहीं हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। तो उसके लिए अपनों को अब जल्दी से निकलना है और उसके बाद अपनों को काम पे भी निकलना है। और आपको रूम का टूर थोड़ा सा दे देता हूँ कि ये सारा अभी मैसी हो रखा है, बट वॉलमार्ट वाला ब्लॉग आपने जिसने भी देखा हो तो ये बेडशीट और ये सारी चीजें अपने लाए थे, वो अपना बड़े वाला पिल्लो पड़ा। तो ये लाइट अपनों ने तनिष सर ने गिफ्ट कर रखी है, सारे पहले स्टार्टिंग वाले ब्लॉग ने इसी के सामने खड़े होकर बनाए थे अपनों ने। और ये जो टेबल है गाइस, मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि अपने टेबल नया लेके आएंगे, तो ये एक बार फ्रेंड से मांग रखे है। और वो रहा नीचे मार्शल वाला स्पीकर, आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा। ये अपना एडिटिंग वाला सेटअप है सारा, वो माउस भी आपको दिखाया था, और मैकबुक पे अपने सारी एडिटिंग करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर आपको रियलिटी तो दिखेगी दिखेगी, साथ में बीटीएस भी दिख जाएंगे सारे। तो चलो फिर देर किस बात की, अब निकलते अपने जल्दी से बेस्ट बाय, आपको सारे बीटीएस भी दिखाते हैं पीछे के। तो भाई अब अपने निकल गए हैं, रास्ते में हैं, बेस्ट बाय जा रहे हैं। लोगों को बता तो दो क्या कि आपका ब्लोअर नहीं चलता, ठंड में निकल गए हैं। ये वाला ब्लोअर भी अपनों ने ऑर्डर किया है, इधर नीचे से ना सिर्फ 3 स्क्रू निकल के अपने डाल सकते हैं, 60 रोलर के है सिर्फ, पर अगर अपने किसी मैकेनिक के पास जाएंगे वो 200-300 रोलर ले लेंगे। अब ना मिस्सा का आने के पीछे भी ना एक छोटी सी स्टोरी है। मैं मेनली जाता होता हूँ वॉन के अंदर, पर वॉन के अंदर हम बेइज्जती करा के आए हुए हैं। गेट पे ही मेरे को रोक लिया था उन्होंने कि भाई कैमरा लेके कहाँ जा रहा है तू, तो कहते इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कांट शूट हियर। तो इसलिए अब फिर हर्टलैंड आने लग गए थे। यार आज भीड़ कितनी लगी हुई है यहाँ पे। ये सर ना मेरा होल्डर मारने को फिर रहे हैं कार से, पांडा वाला मैंने उससे अच्छे वाला मंगवा लिया। अच्छा जी, अनु लेना है कुछ नहीं? लेट्स सी। अच्छा किसी चीज पे मत आ गया तो उठा लेंगे। अरे ये क्या है, ये मैकबुक की कॉपी लग रही है देखना। तो ये रहा प्ले स्टेशन का और एक्सबॉक्स का सेक्शन, ये रिमोट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरी जो प्ले स्टेशन है ना वो अभी तक इंडिया ही पड़ी है, तो कोई आएगा इंडिया से तो मंगवाएंगे। स्कल कैंडी वाले अच्छे नहीं है, मेरे को ये वाले ज्यादा बेटर लग रहे हैं। ये रहे सोनी वाले, ये रहा $200 पे लग रहा है ना। हाँ की चीज है ये, डिजिटल है? नहीं, सर आपसे भी हाइट लंबी लग रही है इसके, तो टीवी की बड़ा बद्दा से है। मेरी जोहरा जबी आहा, न्यू सिंगर इन द टाउन बेबी।
दुबई बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आए हैं। अभी फिर से मैं $200-$300 का नाश करने वाला था बट रुक गया। तो भाई अब अपने निकल रहे हैं बेस्ट बाय से वापस घर की तरफ, क्योंकि टाइम जो है ना 6 बज चुके हैं और 11 बजे मेरा काम है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जल्दी से घर पे पहुंचते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ शॉर्ट्स बच रहे थे आज की वीडियो के लिए, वो जाके कंप्लीट करके वीडियो एडिट करके और चिपकाने भी है, और एट द सेम टाइम ड्राइव करके काम पे भी पहुंचना है। आपको सारी चीजें दिखाते हैं आगे कैसे होती है। लो भाई अपने पहुंच गए अपने घर पे फाइनली। तो भाई शाम के बज रहे हैं 7, घर पे आ चुके हैं बट इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रखा हूँ ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाइट शिफ्ट करके आया था और 2 घंटे सोया था शायद दिन में। तो अब मन कर रहा है कि 11 बजे रात को काम है वापस से और 9:30-10 बजे के अराउंड निकलना है घर से मेरे को कार लेके, तो अब थोड़ा सा सो जाता हूँ। बट नहीं, अब पीछे चाहे बेड है बट यहाँ पे अभी बैठ के एडिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी 3 घंटे के अंदर वीडियो भी पब्लिश करनी है। तो थोड़े से आपको वीडियो के सीन दिखाता हूँ, ये एडिटिंग वगैरह जो कर रहा था। तो भाई ऐसे अब एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करिए, म्यूजिक वगैरह लगाया, क्योंकि होता क्या है कि 40 मिनट की वीडियो अपनों ने शूट करी है तो उसमें से फिर 10 मिनट की वीडियो निकलती है ट्रिम होके और हर एक एक सेकंड पे काम करना पड़ता है। अब 2.5 घंटे बच रहे हैं मेरे पास, उसके बाद फिर काम पे निकलना है, तो जल्दी से जल्दी अब इसको खत्म करने की ट्राई करता हूं, फिर आपको लेके चलता हूं अपने काम पे। तो भाई अब आपको एक छोटा सा अपडेट देना है, उसके लिए मैं आपको वापस से ना वीडियो में लेके चलता हूं। तो इस वीडियो में जो मैं ये सोनी के ईयरफोन्स बता रहा हूं ना, ये मेरा लेने का मन था पर मैं छोड़ आया था अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेरे पास गिफ्ट कार्ड पड़ा था $150 का और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आते ही अमेज़न से ऑर्डर कर दिया, तो कल अपने पास ये सोनी वाले हेडफोन भी आ जाएंगे। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि अब नया टीवी लिया था इसके साथ अपने होम थिएटर या कुछ ले लेते हैं, बट आपको पता है कनाडा के अंदर जो घर है वो लकड़ी के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, उस साइड कोई बैठ के थोड़ी सी भी हरकत कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है ना, सब सुनाई देता है, और अगर आप वूफर वगैरह लगा लोगे ना यहाँ पे तो लोग तो पुलिस कॉल ही कर देते हैं। तो भाई एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, 15 मिनट में निकलना है, बट छोटा सा अपडेट ये है कि आपको बेस्ट बाय जाते टाइम दिखाया था ना कि कार का ब्लोअर चल नहीं रहा था एसी वाला, तो बाहर से काम करवाते बड़े पैसे लगने थे उसके, तो इसलिए $60 का ही था, वो अमेजोन से ऑर्डर कर दिया था तो उसकी डिलीवरी एक ही दिन में हो गई। बट जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं पहले नॉर्थ ईयर कहता था, तो मैंने गलती से एड्रेस उसी पे मंगवा दिया। तो अब मैं रहता माल्टन हूँ, मेरे को जाना न्यू मार्केट है अरोरा साइड, और रस्ते में अब पहले अपने को नॉर्थ ईयर को रुकना पड़ेगा, वहां से वो पार्सल उठा के फिर अपने काम पे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को अपलोड मारता हूँ और फिर भागते हैं काम पे। तो गाइस फाइनली ये सीन रहता है, वीडियो अपलोड हो रही है, आप देख सकते हो 44% हो चुकी है, 4 मिनट में हो जाएगी, और ये टाइटल वगैरह रख दिया। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट करेंगे और मोनेटाइजेशन ऑन करनी है क्योंकि अपनों को थोड़ा सा चंदा चाहिए इससे और काम करने के लिए। एंड देन उसके बाद ना एक चीज आपको दिखाता हूँ, और ये चेक्स वगैरह चलते रहेंगे, तो ये स्केड्यूल करता होता हूँ मैं वीडियोज यहाँ से। तो अभी विंटर चल रही है तो 1.5 घंटे का ही फर्क है टाइम का, तो अब मैं इसका टाइम करूंगा 11:30 ताकि 10 बजे आ जाएगी इंडिया के अकॉर्डिंग वीडियो। तो ये वर्दी पहन के रेडी हो चुके हैं काम पे निकलने के लिए, और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये कॉनेस्टोगा कॉलेज वाली सॉक्स और पहनता हूँ, तो थोड़ी सी कॉलेज वाली वो कहते हैं ना फील सी आती रहती है। तो भाई इस टाइम एक्सपीरियंस अब मिक्स्ड रहा हो, अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो कॉलेज का, बट कॉलेज कॉलेज होता है हम सबको पता है। तो कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है, थोड़े से रिमाइंडर बस साथ में लेके घूमते रहते हैं कि कुछ मोमेंट्स और जो यादें वादें हैं वो साथ में रहें। तो रूम को छोड़ रहे हैं अब, और ब्लॉगिंग किट जो है सारी घर पे छोड़ के जाएंगे, आपको ऑडियो से भी लग रहा होगा, अब सीधा डायरेक्टली अपने फोन से ही शूट कर रहे हैं क्योंकि काम पे जाना है। तो स्केड्यूल इतना बिजी चल रहा है इसलिए टिफिन लगवा रखा है, टिफिन लेके जाता होता हूँ क्योंकि अगर खाना बनाने लग गए तो बस हो गया काम, हफ्ता हफ्ता बनना फिर भूखे बैठे रहेंगे या बाहर से गंद खाते रहेंगे। तो वो एक लाइन होती है ना कि मेहनत जो अपनी सारी रातों में करो और जिसका जो फल है फिर आपको दिन में मिले, तो वही चीज है। अब अपने गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, जय माता दी। तो भाई वो सामने अब आपको दिख रहा होगा पूरा टोरंटो, क्योंकि मैं एयरपोर्ट वाले एरिया से अब नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहा हूँ, मेरे सामने सारा टोरंटो वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको इतनी लाइटनिंग दिख रही है। तो लो भी अपना कनाडा का पहला घर आ गया, और अंदर से जाके जल्दी से ना पार्सल लेके आता हूँ पहले। तो भाई ये जाके अंदर सबसे मिलके और पार्सल उठा लाया हूँ, अब इसको जल्दी से फेंकता है गाड़ी में, और अब मैं ना पूरे पूरे टाइम पे पहुंचूंगा जॉब पे। और मेरा मन था कि मैं कॉफी ले लूँ क्योंकि 50 मिनट ड्राइव करनी है, बट कॉफी लेने के चक्कर में 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, तो रस्ते में अभी टिम हॉर्टन्स आएगा उधर से कॉफी पकड़ लेंगे। हाय देयर, 1 मीडियम कॉफी डबल डबल।
अब एक चक्कर पड़ गया, फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है गाड़ी में और ऑलरेडी लेट हूँ। अगर फ्यूल डलाने लगा तो 10 मिनट और लेट हो जाऊंगा, तो सोच रहा हूँ पहुँच के डला लूँ, 10 किलोमीटर रह गया और सुनसान रास्ता है बिल्कुल। तो भाई फाइनली बिना कार को टो करवाए अपने काम पे गैस स्टेशन पहुंच चुके हैं। आते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि टैंक फुल किया, और पंप के पास कभी भी फोन को यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो पूरे 51 लीटर तेल कार के अंदर गया, मैंने पूरा गिच्ची तक कहते हैं ना ऊपर तक भरा था। और अब टाइम हो रहा है 11:20 और 10 मिनट में अपनी आज वाली वीडियो आने वाली है, तो देखते हैं भाई होपफुली रिस्पॉन्स सही रहेगा उसका। तो भाई रात के अब बज रहे हैं 2, तो अपना लंच टाइम हो चुका है, अब खाना निकाल के और खाता हूँ। नींद जरूर आ रही है बट ये टाइम होता है थोड़ा सा कि नेक्स्ट प्लान करने का कि अब कल जाके क्या क्या चीजें करनी है। तो इस टाइम अकेले होते हैं, कोई कस्टमर्स वगैरह भी नहीं आ रहे होते हैं, तो बंदा शांति से बैठ के ये सारे काम भी कर लेता है। तो अब टिफिन निकाल के लाता हूँ और जल्दी से खाना खा लेता हूँ। तो अब जो सोचते हैं कि कनाडा के अंदर या टोरंटो के अंदर आप टिफिन सर्विसेज लगा रहे हो तो आपको इंडियन खाना ढंका नहीं मिलता, तो आपको दिखाता हूँ आज क्या है। तो भाई आज अपने पास यहाँ पे चावल वगैरह भी है और साथ में माय फेवरेट कड़ी आई है आज, तो चलिए जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं। तो रात को आप देख रहे हो बिल्कुल डेड हो जाता है यहाँ पे काम। तो भाई अब अपना ऑलमोस्ट यहाँ से विदाई लेने का टाइम हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ अपने पुराने स्टेशन पे जहाँ पे मैंने 1 साल पार्ट टाइम काम किया है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ब्लोअर मंगवाया था कार वाला, तो वो फिट करेंगे तनिष सर। तो तनिष, मैं और मेरी जो सिस्टर है ना, सारे गैस स्टेशन पे काम करते हैं, बोस के पास 4 गैस स्टेशन है। तो मैं जहाँ पे पार्ट टाइम काम करता था ना 1 साल, वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि अब सिस्टर को पार्ट टाइम वहाँ पे दिलवा रखी है और मेरा जो स्टेशन है वो अलग है जहाँ पे मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो काम सारा डन हो चुका है, रिलीव करने आ चुके हैं मेरे को, अब अपने कार में बैठते हैं और निकलते हैं जल्दी से अपने पुराने गैस स्टेशन चलते हैं। तो लो भी सूरज की पहली किरण, मॉर्निंग्स इन कनाडा भी लाइक पिंक पिंक स्काई, मेरे फेवरेट शहर में अरोरा, और मेरा पुराना स्टेशन बस ये हाईवे से उतरते ही आ जाएगा। सर बाहर ही खड़े यार, मेरी भी साफ कर दो। ओ हेलो, ओ सर जी इधर तो देखो, हेलो मेरी भी कर दो साफ आके। साफ ही कर रहा था सर, फिर पुरानी गाड़ी है, रबड़ फटे हुए पानी अंदर चला जाता है। पुरानी गाड़ी है, रबड़ फटे हुए पानी अंदर चला जाता है, वही वो सारा मेरा बैग गीला हो गया। स्क्रू ड्राइवर है क्या यहाँ पे? अब वो ब्लोवर डालना है इसमें, अभी डालो डालो। कार लगा दूं मैं, एक मिनट, ये मेरी जगह होती थी कार लगाने की। हेलो मैम, हाउ आर यू? मेरा स्टेशन अतियाके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, वीकेंड शिफ्ट इज मस्त। तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो लास्ट गैस स्टेशन वाली वीडियो थी ना प्रॉपर, वो भी यहीं की थी सारी। तो ये जो है ये वेलिंगटन रोड पे है गैस स्टेशन, और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अब वो ग्रीनलैंड रोड में है। ये अरोरा के अंदर आता है, वो न्यू मार्केट के अंदर आता है, दोनों साथ साथ में है, छोटे छोटे टाउन है। इस तरह हमारे जो है वो यंग स्ट्रीट पे काम करते हैं, बड़े लोग बड़ी बिल्ला। स्क्रू ड्राइवर इधर पे ही है कि द्रोज चिकित्से? कौन सा चाहिए आपको? अच्छा ये नीचे पड़े हैं क्या? 1 साल काम किया और मैंने कभी इनको हाथ नहीं लगाया, पता है? कार का ब्लोवर होने ला के आ रहे हैं। तो कार के अंदर और कुछ होना हो पर हवा गर्म जो है ना वो ढंग से आनी चाहिए कि हीटिंग हो सके, -10 टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे हम काम करते हैं यहाँ पे तो -20-22 तक भी गया था लास्ट विंटर्स में, और इट फील्स लाइक हो जाता है -30 तक। तो अब अपने ने कैमरा पकड़ा दिया तनिष सर, तो चलते हैं अपने बाहर और अपना ब्लोवर से ही करें सबसे पहले। आ जाओ, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? तनिष सर बैठ गए हैं, वो नीचे वाला पोर्शन बाहर आएगा, ट्यूटोरियल में देखा था ना अपनों ने, जो आ गया बाहर आ गया, जोर लगाओ थोड़ा सा। तो भाई ये इतना सिंपल सा इसका जुगाड़ निकल गया, अब सिर्फ 3 नट है जो नीचे अपनों ने स्क्रू करने हैं, खोलने हैं और लगाने हैं वापस। तो ये जो नीचे आपको असेंबली दिख रही है ना, सिर्फ 3 नट पे लगा हुआ है ये ब्लोवर। दूसरा कहां दिख रहा है क्या? दूसरा वीडियो में दिखाया था ना आपको, छोटा सा देख रहे हो, और इसके अंदर से आवाजें और आती थी पता नहीं अजीब अजीब सी। तो अब अपने असेंबली ये नहीं खोलते हैं, प्लग 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 पहले ना, वही लगा रहा हूँ, चला तो नहीं रखा कहीं, हाथ काट दो। अब चेक करते हैं, पहले बहुत ज्यादा नॉइज़ आ रही थी, कट 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 जैसे अपने चलाते थे ना, अब देखते हैं। हो गया सही, या स्लो सही हो गया बिल्कुल, और आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, वरना मेरी वीडियोस ही नहीं बनती थी कार के अंदर। सर आपने मेरे बहुत डॉलर्स बचा दिए, 100, 200, 300, 500। गलत लाइन में आ गए, इसमें पैसे पूसे नहीं बनते गैस स्टेशन, कार वाला काम कर लो, खुद की कार का आप काम सारा कर लेते हो, मेरे को पता है। गंदा लग रहा, नहीं लग रहे गंदे आप, डोंट वरी, और ये भी मैं वीडियो में डाल लूंगा। हाँ भाई ऑडियंस, आप सच में बताना कि तनिष सर इस टाइम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे?
चाय घर से बना के लाई दे। अब निकलते हैं घर पे, जाके सोना नसीब नहीं होने वाला अभी भी। आइकिया जाके आना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेबल लेके आना है। तो अगर मेरे में हिम्मत रही तो अभी घर पहुंच के थोड़ा सा नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज करके आइकिया चलते हैं। बट अगर लगा कि हिम्मत बिल्कुल ही हार रहा हूँ, जो कि मैं हार तो शायद 12 घंटे पहले ही गया था, तो फिर अपने थोड़ा सा सो जाएंगे 2-3 घंटे। तो ठीक है, एक बार निकलते हैं घर पे। तो भाई 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हूँ टोरंटो के, बट वो साइड स्काईलाइन दिख रही है आपको और मैं जूम करके अभी दिखा नहीं रहा ज्यादा, तो फॉग वगैरह हो रही है। तो सीएन टावर की लाइट दिखती है यहाँ से जो टॉप पे लगी हुई होती है ना। तो भाई होम स्वीट होम पहुंच चुके हैं और वो रहा मेरा भारत महान वाला झंडा। तो भाई ये आ गया अब अपना होम स्वीट होम। आज इस रूम को थोड़ा सेट करेंगे, अब वीकेंड है अपना। तो जिंदगी के अंदर ना अगर आप सुकून ढूंढ रहे हो तो सुकून इतनी इजीली मिलता नहीं है। अभी अभी आपको बोला था कि सोने जा रहा हूँ और टमाटर और दूध दोनों ही चीजें घर पे थी नहीं, तो एक बार जल्दी से वॉलमार्ट जा रहे हैं भाग के और वॉलमार्ट से अपने दोनों चीजें उठा के लेके आते हैं। तो यहाँ पे सारे ना हाईवे जो है ना वो लाइफ सेविंग है सच में। तो अब अपने रैंप पे है, हाईवे पे चढ़ रहा हूँ, तो अब आपको दिखाते हैं। रैंप के बाद ना हमें गाड़ी को बहुत मतलब वी हैव टू पुश इट रियली हार्ड ताकि अपने ट्रैफिक के साथ मर्ज हो सके। तो आप देख सकते हो अब स्पीड अपनों को अप करनी है ताकि पीछे से कोई बंदा आता ना ठोक ना दे अपनों को। ओ भाई पुलिस वाला है, आई डोंट नो आपको पीछे दिखेगा या नहीं, पर अभी एक बंदे को स्पीडिंग टिकट दे रहा था पुल ओवर करवा के बंदा। तो लो भी अपने फाइनली वॉलमार्ट पहुंच गए हैं, अब पार्किंग स्पॉट देख के गाड़ी लगा दे, इस साइड सही लग रही है। तो लगभग 7 बजे अपने काम से फ्री हो गया था, अभी टाइम हुआ है 9:15। तो कोशिश मैं हमेशा से यही करता होता हूँ कि आके ना 8:30 बजे तक सो जाऊँ, पर हमेशा किस्मत अच्छी नहीं होती। तो 9:30 बजे तक आप देख लो अभी बाहर ही घूम रहा हूँ। ये रही पहली आइटम मिल गई, टमाटर उठाते हैं अपने सबसे पहले। यहाँ पे ये पॉलीथिन लगे होते हैं, इसमें अपने डाल सकते हैं। तो ये आ गए अपने दूध वाले सेगमेंट में, तो एक बैग उठा लेता हूँ अभी। तो अपनों ने थोड़ा सा सामान और ले लिया था, $26 पे करने हैं, यहाँ पे हो जाएंगे। सेल्फ चेकआउट में आया था मैं, तो अपने थोड़े से ड्रिंक्स भी ले लिए साथ में। तो भाई दूसरी बार पहुंच गए घर पे अपने, अब सामान निकाल के अंदर चलते हैं। तो भी अपने घर तो पहुंच गए, पर सोने से पहले ना एक चीज और बंदा ना हमेशा के चेक जरूर करता है। तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ना आपको ये चीज बताई थी कि इस वीडियो में ना कुछ भी अनरियलिस्टिक सी ना वो फेक सी चीजें नहीं दिखाने वाले, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रियल चीजें दिखाने वाला हूं जो नॉर्मल लाइफ में यहां पे चलती है पर्सनली मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आते ही ना बंदा ये भी चेक करता है कि मेरे स्टैट्स कैसे चल रही है चैनल के, क्योंकि अभी वीडियो पोस्ट करी थी। और हमेशा देखो वीडियो की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के 24 आवर्स की अच्छी नहीं जाती। तो आप देख सकते हो कि लास्ट 10 अपलोड्स जो मैंने करे हैं उसके अंदर अभी जैसे पहले 10 घंटों के अंदर ये वाली वीडियो पे 27,000 व्यूज हो गए थे, बट अभी जो अपने ने कल डाली है वीडियो तो उस पे अभी 10,000 भी नहीं हुए। और क्लिक थ्रू रेट देखें अपने एवरेज सी है, ठीक ठाक है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो अच्छी आ रही है। तो जैसे अपने हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना वीडियो से वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बट अगर खुद को इम्प्रूव करना है तो यही सारी चीजें काम देती हैं। अगर अपनों को दिख रहा है कि अभी भी कुछ कमी है, चीजें नहीं सही से हो रही, तो अपने नेक्स्ट टाइम फिर और ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं कि कुछ और अच्छा लेके आए जो यूजफुल भी हो वैल्यूएबल भी हो। तो वही चीजें हैं। अब जैसे इस वीडियो से मेरे को किक मिली है कि नेक्स्ट अब जो मैं वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, एक तो ये ऑलरेडी शूटिंग चल रही है जिसकी, प्लस जो आईकिया वाला बनाना है उस पे अब थोड़े से और ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। और ये अप एंड डाउन देखो लाइफ के अंदर चलते रहते हैं बंदे के, तो कभी भी इन चीजों से ना अपने को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बस चुपचाप अपना काम करते जाओ। तो अब मेरे को लग रहा है अभी एक बार बहुत प्रवचन हो गए, मैं क्विक नैप लेता हूँ 1-2 घंटे की। तो गाइस अब सो के उठा हूं, और जो कल हमने हेडफोन्स जो है ऑर्डर करे थे वो आ चुके हैं, बेसिकली इसी ने उठाया है मेरे को। तो अब चल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में आपको आगे का सिस्टम बताता हूँ कि जो आईकिया वाली वीडियो है ना वो अपने आज शूट नहीं कर रहे, क्योंकि अब ये जो ब्लॉग शूट किया है सारा इसको भी एडिट करना है, 3-4 घंटे लगेंगे। और अभी अब जाऊँगा अब आईकिया तो अंधेरा हो जाएगा, शूटिंग वगैरह में भी दिक्कत आएगी। तो अपने एक बार चल के इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर कुछ बातें भी हैं जो न्यू स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, उन सारी चीज़ों पर भी अपने बात करते हैं। तो भाई हथियार अपने ले आए थे और इससे मैंने इसको ओपन कर दिया और मैं रिकॉर्ड बटन ऑन करके आ गया था, बट मेरे को पता नहीं लगा था रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी, तो ये क्लिप जो है वो मिस हो गई। तो अब इसको अब निकाल के देखते हैं भाई क्या सिस्टम है, और सबसे मेन चीज़ चेक करते हैं कहीं डिफेक्टेड पीस तो नहीं आ गया। अमेजन वाले ना सही पूरा ऐसे करके देखते हैं।
तो यही जो मॉडल आपने कल बेस्ट बाय में देख के आए थे, तो उस टाइम तो वायर कनेक्ट कर रखे थे उन्होंने, बट ये पूरा वायरलेस है। तो इसको लेने का रीजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मैकबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एडिटिंग में हेल्प होगी, प्लस टीवी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। बट चलो अब खोल के देखते हैं चलता है या नहीं चलता और कैसे अंदर से। सोनी तो ये बड़ा बचपन की याद दिलाता है इसका जो लोगो है ना, हमेशा से सोनी ने लोगो कभी चेंज नहीं किया। और मेरे पास एक वॉकमैन भी है, अगर आप वॉकमैन जानते हो। सोनी के पहले तो कैसेट वाले वॉकमैन आते थे, फिर डिजिटल भी आने स्टार्ट हो गए थे, मैंने सारे रखे थे। कैसेट वाला तो नहीं बचा, पुराना जो होता है, बट डिजिटल मेरा 15 साल पुराना अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है और चार्ज होता है अभी भी चलता है। यो क्या बात है, मैं यही सोच रहा था हेडफोन को कैरी कैसे करेंगे अपने। तो भाई ये तो पूरा केस वेस दिया है इन्होंने, चलो खोल के देखते हैं। और सबसे मेन चीज मैं नहीं देख रहा, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, हेडफोन है ना अंदर तो ये केबल्स वेबल्स है साथ में, ये चार्जिंग वाली है और ये ऑक्स वाली है शायद, इसको एक्सटेंड कर ले। क्या बात है। तो आवाज वूज कुछ नहीं आ रही, मैं ऐसे ही हिल रहा हूँ अब इसको कनेक्ट वगैरह करके देखते हैं। तो भी क्वालिटी वाइज तो बड़ा प्रीमियम से है, और सबसे मेन चीज लाइट वेट है, पहनने पे भी ये पूरा ढंग से ना ईयर के ऊपर फिट हो जाता है, तो ऐसे नहीं है कि अनकंफर्टेबल सा लग रहा हो। और $200 के अंदर क्या आता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था $200 का ऑर्डर किया ये। तो चलो अब मैं इसको कनेक्ट वनेक्ट करके देख लेता हूँ, बाकी अपने जो कुछ बातें मैंने और आपको बताई थी कि कुछ शेयर करनी थी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं अपने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया IKEA वाला तो आज अपनों ने प्रोग्राम कर दिया कैंसिल, उसका अपने सेपरेट व्लॉग बना देंगे, इस वीडियो के बाद अगली वीडियो IKEA वाली आ जाएगी। तो अब अपने बात करते हैं न्यू स्टूडेंट्स की, या फिर जो बंदे सोचते हैं कनाडा में लाइफ वाइफ कैसी है। तो गाइस ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया बताया है। तो स्टार्टिंग में आप जब आते हो ना, आप अपनी स्टडी खत्म करते हो फिर वर्क वीजा पे आते हो, तो अपने ना यही दिन होते हैं जिसको चाहे अपने घर वाले बोलते हैं जवानी के दिन होते हैं, जब बंदा हसल कर लेता है मेहनत कर लेता है। तो इंडिया से अपने यहाँ आए हैं, ठीक है, अभी अपना टाइम है, बुढ़ापे से पहले बंदा मेहनत करके 4 रुपए जोड़ लेता है, अपना फ्यूचर बना लेता है, सेविंग कर लेता है, तो हसल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ आके एक जॉब के साथ भी अपनी डिसेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बट हर बंदे की ना साइड हसल भी चलती है, जिसको थोड़ा सा और कहते हैं ना ऊपर उठना होता है। तो बहुत लोग आपको मिलेंगे जो दो दो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, ये भी काइंड ऑफ मेरी एक दूसरी जॉब ही है। पहले तो सिर्फ एक पैशन था, एक हॉबी थी, अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, स्टिल अभी भी कभी मूड खराब होता है या फिर थोड़ा डिप्रेसिंग सा सीन हो रखा होता है, तो वीडियो बना के एडिट करके जब पोस्ट करता हूं ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए एक और रीजन है कि ये काम मैं छोड़ नहीं पाता, और प्लस पता ही नहीं चला कब ये काम करते करते ना ये फाइनेंशियली भी हेल्प करने लग गया। अब कनाडा के अंदर मेरा रेंट वगैरह, ग्रोसरीज, जो भी मिनिमम खर्चा होता है ना, तो सारा इस काम से, इस हॉबी से वो चीजें निकल जाती है। तो उसके बाद जो गैस स्टेशन पे अभी मैं काम कर रहा हूँ एज ए मैनेजर, वो जो आप एक तरीके से कह लो कि सेविंग है, या फिर ऊपर कोई चीजें नहीं बनानी होती है, अब ये खर्चे वर्चे करते हैं, तो वो सारी चीजें उससे हो जाती है। और मैंने ये जो यूट्यूब अकाउंट बनाया था वो इंडिया में बनाया था, मैंने अभी तक इसको ट्रांसफर नहीं किया यहाँ पे, तो इसीलिए मैं अपना इंडियन जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसका जो भी रेवेन्यू रहता है वो अभी भी मेरे इंडिया अकाउंट में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी बड़ी आइटम लेनी होती है, तो मैं इंडियन क्रेडिट कार्ड से ले लेता हूँ। तो मैसेज गाइस यही मैं देना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप आ रहे हो, जो भी अपने गोल्स वगैरह, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि स्ट्रेट करके आओ, यहाँ आके मेहनत करोगे तो मेहनत का फायदा भी मिलेगा, कि दिमाग के अंदर थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि लाइफ में अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में आप क्या करना चाहते हो। मैं अभी वो चीजें रिवील नहीं करूंगा, तो बहुत सारी चीजें इंडिया भी छोड़ के आया हूँ, मैंने BAMS करी थी, 5.5 साल की मेरी बैचलर्स थी, मैं आयुर्वेद फिजिशियन हूँ, तो वो सारी चीजें भी मैं करके थोड़ा सा साल 1.5 साल काम करके पीछे छोड़ा है अपनी उस लाइफ को, यहाँ आके नई स्टार्ट करी है, नई चीजें कर रही है। ये भी अगर आपको लग रहा है कि YouTube वगैरह ये ठीक है सब पैशन है, हो सकता है एक टाइम आएगा इसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि जिंदगी आपको सिर्फ एक बार मिली है। मेरे जो गोल्स थे आगे क्या क्या करना था ना, 5 साल पहले ही मैंने पूरा नोट्स बना के लिख रखे हैं कि बाय द एज ऑफ दिस ये सारे काम करने हैं, बाय द एज ऑफ दिस ये सारे काम करने हैं। और प्राउडली मैं ये चीज कह सकता हूँ कि अभी तक उस ट्रैक पे चल रहा हूँ जो ट्रैक मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। होपफुली गाइस इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन आपको मिली होगी, और आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या कुछ करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बनाई है, आज के टाइम पे मैं सारी चीजें वो चमक धमक वाली आपको करके दिखा सकता हूँ, बड़ी पॉलिश्ड सी वीडियो बना के, बट ये मैंने एक काइंड ऑफ रियलिटी दिखाने की ट्राई करी थी कि ग्राउंड लेवल पे चीजें आपको समझ आई होंगी कि ये जिंदगी है, इस तरीके से जो बंदा हसल कर रहा होता है ना, तो अपनी डे टू डे चीजें कर रहा होता है। सोशल मीडिया पे तो आपको बड़ा यूं लगता होगा कि बड़ी चिल लाइफ है, ये है वो है, चिल कुछ नहीं होती, बट एट द एंड ऑफ डे बस सारी चीजें वर्थ इट होनी चाहिए जो भी चीजें आप कर रहे हो। तो ये जो मैं कुछ वीडियो साथ में बना रहा हूँ ना आजकल, तो उसके अंदर पर्टिकुलर मेंशन भी करता हूँ मैं कि अपने नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कोई पेड प्रमोशन करवाएं उस चैनल के लिए, आप लोगों ने देखना है, आप लोगों का प्यार चाहिए, तो
वो चैनल आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गिल शो के नाम से अपना नया चैनल बनाया है, तो इस चैनल को तो मैं स्टूडेंट्स के लिए रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए आगे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बट अगर आप अंदर की चीजें देखना चाहते हो, एंटरटेनिंग चीजें देखना चाहते हो, फन एडवेंचर ये सारा कंटेंट देखना है, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स का है, जिस दिन वो गोल जो अपना हिट हो जाएगा उसके बाद मैं उस चैनल पे भी चीजें पोस्ट करनी स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, आज की मजदूरी अपने बंद करते हैं, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।